और प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे से एक तरफ काशी में उत्सव का माहौल है तो दूसरी तरफ इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। चुनावी घमासान के बीच विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची है, साथ ही जुबानी जंग भी तीखी और कड़वी हो गई है। यूपी में चुनावी मौसम है, लिहाजा सियासी पारा उबाल पर है। काशी में सोमवार को पीएम मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। काशी का भव्य और दिव्य स्वरूप दुनिया ने देखा। सालों बाद काशी की अलग पहचान बनी। पूरे काशी में उत्सव का माहौल है, लेकिन विपक्ष को ये उत्सव रास नहीं आ रहा। उसे तो बस विरोध की सियासत करनी है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। काशी सदियों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसा लगता है कि काशी के पुनरोद्धार से सबसे ज्यादा आहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। तभी तो अखिलेश पीएम मोदी को लेकर उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक महीना नहीं, दो महीना, तीन महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव को दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। उन्हें धर्म के नाम पर सियासत भी करनी है और धर्म के नाम पर वोट भी चाहिए। पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर है। कोई इस बयान को शर्मनाक बता रहा है तो कोई अखिलेश की तुलना औरंगजेब से कर रहा है। अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। ये उस औरंगजेब की आत्मा बोल रही है जिसने उसे विध्वंस किया था, और ये औरंगजेब की आत्मा बुलवा रही है इनमें प्रवेश करके, क्योंकि वो औरंगजेब ही था जिसने अपने पिता और परिवार को हाशिए पे डाल दिया था सत्ता के लिए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को भी काशी का दिव्य और भव्य नजारा रास नहीं आया, और वो भी बीजेपी पर तंज कस रही है। चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले केंद्र व यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यहाँ प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अब कच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर अखिलेश यादव ने खुद पर बैकफायर करने का काम किया है, और चुनाव में अखिलेश का ये बयान हिंदू वोटरों को नाराज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।